यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के निजीकरण के खिलाफ हैं। इसके विरोध में बैंक कर्मचारी दो दिन की हड़ताल कर रहे हैं। इसी कड़ी में बैंक कर्मचारियों द्वारा वीरवार जो उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। राजधानी शिमला की चिड़गांव तहसील के दिउदी गांव च आगजनी की घटना सामने आई है। घटना च दो घर जली ने पूरी तरह तैराक हो गए, कने 12 डंगर भी अग्री पिंड चढ़ी गए, कने 3 होर मकानों भी काफी नुकसान पहुंचे है। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर सैनिकों ने शौर्य जो याद किया। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि 16 दिसंबर 1971 च भारतीय सेना की वीरतरे अगे पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण किया था, कने बांग्लादेश जो भी आजादी मिली थी। इस ऐतिहासिक जीत रे नायक भारतीय सेना के वीर जवानों जो मेरा नमन। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के निजीकरण के विरोध च यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश च बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पैदा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन हिमाचल प्रदेश संयोजक नरेंद्र शर्मा ने दसा कि संसद के चालू सत्र च बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पेश किए जाता है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का निजीकरण किया जा सके। जिला बिलासपुर च कुपोषित बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी गई है। इस जिला प्रशासन हूँ इसके खिलाफ जिले भर से एक पोषण अभियान चलाने जा रहा है, जिसके संदर्भ च डीसी बिलासपुर की अध्यक्षता च एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान डीसीए संबंधित विभाग के अधिकारियों जो निर्देश दिए कि गंभीर रूप कने मध्यम कुपोषित बच्चे की निगरानी लिए 15 दिन के भीतर ही शिविर आयोजित किया जाए ताकि कुपोषित बच्चों जो जरूरी पोषण के प्रति जागरूक किया जा सके। सदर तहसीलदार बिलासपुर हर सिंह यादवे बिलासपुर बस अड्डे की जांच की। जांच के दौरान अतिक्रमण कने अपनी दुकानों जो सबलैटिंग पर दिए जाने दुकानदारों पर कार्रवाई भी की गई। वहीं जिन दुकानदारों कई सालों से अपनी दुकानों का रेंट नहीं दी रहा, तिना जो भी विभाग की ओर से नोटिस जारी करते हुए दुकानों जो खाली करवाने के आदेश जारी किए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत अज अते 3 दिवसीय हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहने। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वीरवार भ्यागा 11:30 बजे गगल एयरपोर्ट पहुंचे, जिथे तिना जोरदार स्वागत किया गया। जिसके बाद मोहन भागवत आरएसएस कार्यालय कांगड़ा पहुंचे, जिथे कार्यकर्ता कने तिने बैठक की। कुल्लू जिले की पर्यटन नगरी मनाली के सोलंगनाला इलाके च प्रशासन के आदेश से नाराज लोगों लेह मनाली हाईवे जाम कर दिया, जिससे गड्डियों की लंबी लाइन लगी गई थी। स्थानीय लोगों ने विरोध जो देखते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर मौके पर पहुंचे, ने लोगों से समझाई बुझाई ने ट्रैफिक बहाल करवाया। कुल्लू जिले के ठेला इलाके च साल 2020 अफीम रिखेतरे मामले च फरार आरोपी जो पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी साल 2020 से फरार चला था। कुल्लू पुलिस की टीम लगातार आरोपी की तलाश ले छापेमारी करा दी थी। वहीं हूँ आरोपी घनश्याम जो गिरफ्तार करने च पुलिस की टीम जो सफलता मिली है। एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा मामले की पुष्टि की है। सोलन च प्राइवेट डेंटल कॉलेज टीचर की कमी पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। डीसी कार्यालय बाहर प्राइवेट डेंटल कॉलेज के छात्र ने अपना विरोध जताया। इस मौके पर एसएफआई जिला इकाई भी इस विरोध प्रदर्शन च डेंटल कॉलेज के छात्रों का साथ दिया।